सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई इस कॉलेज के कट ऑफ्स, ताकि गाइज आपको ये पता चल जाए कि कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सी जो ब्रांच है वो इस कॉलेज में मिल सकती है। साथ ही में मैं आपको इस कॉलेज के जो डिटेल्स है वो भी बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊँगा कि इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना जाता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना, ताकि आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो से ही मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं इस कॉलेज के डिटेल्स और फी स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे इस कॉलेज के कट ऑफ्स। तो इस कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट कोड है वो है 3007। तो अगर आपको सर्च करना होगा तो ये कोड आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। साथ ही में इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1960, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको नियर बाय रेलवे स्टेशन, नियर बाय बस स्टैंड और नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो पास ही देखने को मिलेगा। तो ट्रैवलिंग का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 60 का जो कैपेसिटी है हॉस्टल का वो है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम कॉलेज का स्टेटस देखते हैं तो जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसके कारण जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम रहेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। ऑटोनॉमस स्टेटस में जो कॉलेज है वो ऑटोनॉमस में आता है। ऑटोनॉमस होने के कारण आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और माइनॉरिटी स्टेटस इस कॉलेज का है नॉन माइनॉरिटी। अगर ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे 10 जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो अवेलेबल है। साथ ही में 2011 में यहाँ पे दो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी के जो सीट्स वाली ब्रांच है वो ऐड हुई है। जैसे आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग माइनॉरिटी कोटा की 60 सीट्स ऐड हुई है, एंड आईटी माइनॉरिटी की 60 जो सीट्स है वो ऐड हुई है। तो हमें कट ऑफ्स में माइनॉरिटी के इन दोनों ब्रांचेस के जो कट ऑफ्स है वो डिफरेंटली देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदी माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, उनको भी यहाँ पे ईजिली जो एडमिशन है वो मिल सकता है। कुल मिला के इस कॉलेज का जो टोटल इनटेक है वो है 780 स्टूडेंट्स का, जो कि एक अच्छा खासा हम जो इनटेक है वो बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर। तो यह है फ़ी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हो ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, सारी जो फीस है वो मिला के जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 10,076 रुपीज़। और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, उनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 7,076 रुपीज़। और जो एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 4,076 रुपीज़। इसके अलावा जो माइनॉरिटी कोटा से आएंगे उनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आप वेबसाइट पर देख सकते हो। वहाँ पर सारे जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है, और जो वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कॉलेज की डिटेल्स और फ़ी स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए, अब देखते हैं इस कॉलेज के लेटेस्ट कट ऑफ्स, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपको पता रहेगा कि इस कॉलेज में कितने परसेंटेज पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यह है लेटेस्ट कट ऑफ्स ऑफ 21-22। पहली ब्रांच है गई यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। ऑटोनॉमी स्टेटस आप देख सकते हो। तो होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स का ये जो कट ऑफ है पहला वाला, एन मतलब होता है यहाँ पे नॉन टेक्निकल, जी मतलब होता है जनरल, फिर ओपन, और एच मतलब होता है होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका ओपन का जो कट ऑफ है वो है 79.60। अगर आपको इसके ऊपर परसेंटाइल रहते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे जो एडमिशन है वो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता। एससी कैटेगरी का आप देख सकते हो 73.80 परसेंटाइल, फिर एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हो 49.20 हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। ओबीसी का हमें काफ़ी कम जो यहाँ पे कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है, जो कि 43.33 परसेंटाइल। और फिर ओपन का आप देख सकते हो, लेडीज़ ओपन, ये 76.60 परसेंटाइल के आसपास हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। कट ऑफ लिस्ट में यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। मैं मेनली आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट का है वही बताऊंगा, क्योंकि मेनली मुंबई के स्टूडेंट्स मुंबई के कॉलेज में जो एडमिशन है वो लेते हैं, और मैक्सिमम मुंबई के स्टूडेंट्स रहते हैं। जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट के जो मैं आपको कट ऑफ्स है वो डिटेल में बताऊँगा। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ये कट ऑफ लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हो, जो अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट होता है उनके जो कट ऑफ है वो थोड़े ज्यादा जाते हैं। आप देख सकते हो ओपन का यहाँ पे 88.0 देखने को मिल रहा है, एससी का 79.40 देखने को मिल रहा है, ओबीसी का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 79.00 परसेंटाइल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच का, यह है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको नॉर्मल सीट्स और जो माइनॉरिटी की सीट्स है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है माइनॉरिटी सीट्स के कट ऑफ्स। तो माइनॉरिटी में यहाँ पे कौन सी माइनॉरिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देख सकते हो यहाँ पे जी मतलब होता है जनरल, एल मतलब लेडीज़, एम मतलब होता है मुस्लिम, बी मतलब होता है बुद्धिस्ट, जे जैन, एस फॉर सिख एंड पी फॉर पारसी। ठीक है, तो ये सारे जो माइनॉरिटी है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये माइनॉरिटी के कट ऑफ्स है, तो आप देख सकते हो 75.00 कट ऑफ जा रहा है। माइनॉरिटी के कट ऑफ जनरल नॉर्मल कट ऑफ से थोड़े कम रहेंगे, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे जो ब्रांच है वो कम परसेंटाइल में ले सकते हो। फिर आप देख सकते हो 81-86 के आसपास जो कट ऑफ्स है वो जा रहे हैं। अब देखते हैं हम नॉर्मल सीट्स। ठीक है, तो ये है होम डिस्ट्रिक्ट सीट जनरल ओपन कैटेगरी, 92.60 परसेंटाइल का हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। और फिर आप देख सकते हो एससी कैटेगरी का 82.02 परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो जो माइनॉरिटी के कट ऑफ है वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो जनरल के कट ऑफ्स है। ठीक है, तो अगर आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होगे तो माइनॉरिटी कोटा का यूज़ करके आप इजीली यहाँ पे जो एडमिशन है कम परसेंटाइल में वो ले सकते हो। फिर यहाँ पे है ओबीसी 86.00 परसेंटेल, यहाँ पे हमें कट ऑफ दे जो है वो देखने को मिल रहा है। लेडीज़ ओपन का 95.00 जो हमें यहाँ पे कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। तो कंप्यूटर के जो कट ऑफ है इस कॉलेज में वो अच्छे खासे हाई जाते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर चाहिए होगा तो आपको अच्छा जो स्कोर है वो करना पड़ेगा टेंथ में। फिर यहाँ पे आईटी में भी जो माइनॉरिटी कोटा है वो दिया हुआ है। तो माइनॉरिटी सीट्स का आप देख सकते हो 69.40 परसेंटेल जा रहा है। फिर यहाँ पे अलग अलग माइनॉरिटीज़ है, इनका कट ऑफ 70-75 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं जनरल सीट्स जो कि सबके लिए कॉमन रहेगी। ये है जनरल ओपन 90.40, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है माइनॉरिटी और नॉर्मल सीट्स के बीच में। फिर एससी कैटेगरी का है 77.20 परसेंटाइल। फिर यहाँ पे है ओबीसी कैटेगरी, इसका है 83.80 परसेंटाइल। और लेडीज़ ओपन आप देख सकते हो 92.20 परसेंटाइल यहाँ पे हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर बाकी होम डिस्ट्रिक्ट नॉन टेक्निकल सीट्स और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो आप ये डिटेल में इस लिस्ट में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल ओपन कैटेगरी आप देख सकते हो 79, इसमें कोई भी माइनॉरिटी सीट्स नहीं है जैसे कंप्यूटर और आईटी में है, तो इसके लिए सभी के लिए सेम ही सीट्स रहेगी। फिर एससी का 75.40 परसेंटाइल, ओबीसी का आप देख सकते हो 62.80 परसेंटाइल हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा कम ही है। होम डिस्ट्रिक्ट 74 कट ऑफ है जो कि काफ़ी कम मैं बोल सकता हूँ, इतना किसी को भी मिल सकता है टेंथ में। फिर एससी का है 65.80 परसेंटाइल, लेडीज़ ओपन का देख सकते हो 68.40 है। और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो 81.40 है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। एससी का देख सकते हो 68.40 है और ओपन कैटेगरी का 70.60 हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कुछ न्यू ब्रांचेस भी है, तो अगर ये चाहिए होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल ओपन का जो कट ऑफ है वो कम है 67.40 और लेडीज़ ओपन का भी 64.20 जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल रहा है। तो इस ब्रांच का जो कट ऑफ है वो इस कॉलेज में काफ़ी कम जाते हैं, तो इजीली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी अगर इसमें आपको कोई इंटरेस्ट है और ये लेना है और ये आपको काफ़ी कम कॉलेजेस में मिलेगा, तो इसका कट ऑफ स्टेट लेवल ज़्यादा है जो कि है 54.80 जो कि काफ़ी कम है। साथ ही में ओपन का भी जो कट ऑफ है वो भी कम है 69.33, तो कम कट ऑफ है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लेदर गुड्स एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, ये भी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका कट ऑफ है ओपन का 61.40, फिर एससी का देख सकते हो 60 है और लेडीज़ ओपन का 52 है जो कि काफ़ी कम है। ईजिली आपको इन ब्रांचेस में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस है। और फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो है 76.60, एससी का आप देख सकते हो 65.60 और फिर आप देख सकते हो ओबीसी का 47.40, तो इसका भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल में भी अच्छा खासा कट ऑफ नहीं जाता है, आराम से आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। बस सीएस और आईटी का जो कट ऑफ है वो अच्छा जा रहा है, बाकी तो बाकी सारे ब्रांचेस का हमें 75 और इसके आसपास देखने को मिल रहा है। रबर टेक्नोलॉजी, ये भी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। 53.40 का यहाँ पे हमें ओपन का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, TFWS है 73.40 एंड लेडीज़ ओपन है 68.80 परसेंटाइल। ठीक है, तो इतनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस कॉलेज में। CSIT का जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास जाता है, बाकी सारे जो ब्रांचेस है उनका जो कट ऑफ है वो हमें 80 या फिर 85, 75 इनके बीच में हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो CSIT में ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन
एडिशन है वो इस कॉलेज में रहेगा, बाकी ब्रांचेस तो आपको यहाँ पे इजीली जो है वो मिल सकती है। तो ये थे गाइस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई के कट ऑफ्स। आपको सेकंड राउंड में और भी थोड़े जो कम कट ऑफ्स है वो देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो सेकंड राउंड में आ जाता है। मैंने आपको फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ्स है वो दिखाया है, सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड दोनों के जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको नीचे दिए हुए लिंक पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट जो है वो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप्स आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको आगे कौन से कॉलेजेस के कट ऑफ चाहिए ये कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं उनके ऊपर भी जो वीडियो है वो जरूर से बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।